बोकारो जिला के गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कांसी टाण में बीते दिनों पॉकलैंड मशीन को जलाने व हाइवा मशीन को क्षतिग्रस्त करने का मामले का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पॉकलैंड मशीन में आग लगने की घटना को नक्सली घटना से जोड़ा जा रहा था, जिसको एसपी ने इनकार किया है। 2 जून को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है करण इंटरप्राइजेज, जिसकी कि एक गाड़ी में को शीशा से तोड़ा गया था और एक पॉकलैंड में आग लगाई गई थी। इसको लेके कुछ प्रेस जो बंधु हैं और जो कुछ लोग हैं, ये भी शंका जाहिर किए थे कि सर ये उग्रवादी घटना है या क्रिमिनल के द्वारा है। तो उस समय ही प्राइम ऑफ एसी लगा था कि उग्रवादी घटना ये नहीं है। इसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें जांच हुई तो पता चला कि एक 26 वर्ष का युवक है रामलाल मुर्मू, जो पहले भी नवाडी के एक केस में 1 साल जेल में रह चुका है। वो उस कंपनी में काम करता था, कुछ दिन काम कर रहा था, बट वो काम में रेगुलर नहीं था। उसका पेमेंट पर डे होता था, उसको लेके कंपनी से उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि तुम डेली काम नहीं करते हो, उसको लेके उसको कंपनी से निकाल दिया गया था। तो वो पिछले 2-3 महीनों से प्रयास में था किसी तरह कंपनी में फिर से आए, जिसको लेके उसमें और कंपनी में हमेशा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। उसी के क्रम में 2 जून के रात में उसका वहाँ जो कंपनी के कुछ लोग थे उनसे बहस हुई, फिर बकझक हुई। उसके बाद इसने हथौरा से एक जो आपके सामने है, जो हथौरा से उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और जो एक वहाँ पोकलेन थी उसमें आग लगा दी उसने। तो वहाँ से हम लोग को एक बड़ा लोहा का हथौरा भी रिकवर हुआ है और एक अभियुक्त जो इसमें था उसकी गिरफ्तारी हुई। क्यों ऐसा किया? वो जॉब को लेके उसका पर्सनल था कि जॉब में उसको चूँकि निकाल दिया गया, वापस वो चाह रहा था, और उस दिन चूँकि कुछ दोनों में बकझक हुआ उसमें और कंपनी वाले में, इसको लेके सर ये अकेले था क्या? हाँ अकेले अकेले।